जा रहे हैं। चोरों ने होली की देर शाम एक लाइट और साउंड की दुकान को अपना निशाना बनाते हुए दुकान में रखे हजारों रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। मामला किसनी थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, आइए आपको दिखाते हैं इस खबर के जरिए। पूरी घटना थाना किसनी क्षेत्र के मैनप्री चौराहे की बताई जा रही है। यहाँ पर थाना क्षेत्र के ग्राम हरि सिंहपुर निवासी सुनील कुमार पुत्र रमेश कुमार की लाइट और डीजे साउंड की दुकान थी। सुनील होली की देर शाम अपनी दुकान को बंद करके गया था, लेकिन सुबह जब दुकान खोली तो दुकान में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया हुआ था। सुनील के मुताबिक दुकान में रखा हजारों रुपए के माल पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। पीड़ित सुनील ने घटना की शिकायत थाना किसनी में की थी, लेकिन बावजूद इसके थाना पुलिस ने सुनील की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। वह आए, मैं दुकान के ताले टूटे मिले, उसके बाद मैंने पुलिस से सूचना की, 1 लाख से ऊपर मेरा सामान निकल गया है। पुलिस एक भी बार देखने नहीं आई और अधिकारियों को बताई, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई नहीं है ना, कोई सुनवाई हो रही है। अच्छा ठीक।